हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ सैलॉन लाइक जेल पेंट एट होम, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको एक यूवी लैम्प चाहिए रहेगा। मार्केट में बहुत सारे यूवी लैम्प अवेलेबल हैं, बट जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मेरे को काफ़ी दिन हो गए, तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड आपको दो कोट्स चाहिए रहेंगे यूवी जेल के, ठीक है? एक रहेगा शाइनी कोट और एक रहेगा फाउंडेशन कोट, ये दोनों मस्ट है। उसके बाद आपको जो मिडिल नेल पेंट रहती है ना, जो हम लेयरिंग करेंगे, वो आपके पास अगर प्रेजेंट कोई और नेल पेंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो यूवी नेल पेंट यूज़ करती हूँ उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो सबसे पहले आपको आपके जो नेल्स हैं उनको क्लीन करना होता है। कोई भी पुराना अगर नेल पेंट लगा हुआ है तो उसको अच्छे से निकाल लीजिए और अपने हाथों को क्लीन कर लीजिए, एकदम क्लीन कर लेना होता है आपको। नाउ नेक्स्ट, आपको इस तरीके का एक बफिंग वाला टूल चाहिए रहेगा। तो मैं इसी बफिंग टूल से ही अपने जो नेल्स हैं उसको शेप भी करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा शेप कर रही हूँ, मेरे नेल्स का शेप बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही अजीब तरीके का है, बट जैसा मैं शेप कर सकती हूँ वैसे मैंने शेप किया है। अब आप ये देखिए कि जो ऊपर का फर्स्ट लेयर होता है ना हमारे नेल का शाइनी कोट, उसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है? उसको मैं बफ कर रही हूँ, उसको उसका जो सर्फेस है उसको मैं बिल्कुल ऐसे हार्श टाइप का सर्फेस बना दे रही हूँ, अनइवन सर्फेस बना रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, ज़्यादा डैमेज नहीं करना है अपने नेल्स को, थोड़ा सा ही रब करना है। नाउ दिस इज द फाउंडेशन कोट, ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इन नेल पेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको कितने मिनट या कितने सेकंड्स तक अपने नेल्स को यूवी उसमें रखना है, लैम्प पे रखना है। तो इसमें लिखा हुआ है 30 सेकंड्स, तो मैं 30 सेकंड्स के लिए अपने जो यूवी लैम्प है उसके अंदर ये जो फाउंडेशन कोट है वो लगाने के बाद रखूंगी हाथ। तो ये देखिए इस तरीके का होता है, यहाँ पर 10 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 99 सेकंड लिखा होता है। तो 30 सेकंड्स क्लिक करके मैंने अपने नेल्स को 30 सेकंड के लिए रख दिया है। जैसे ही 30 सेकंड हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये देखिए। और अब जो मेरा नेल है वो ड्राई हो चुका है। नाउ यहाँ पर मैंने एक अपने पसंद का एक शेड लगाया है, दिस इज़ अ यूवी जेल पेंट जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो 10 दिन से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, बट ये वाला 20-25 दिन लास्ट करता है आराम से। उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर का पेंट लगाया है, अगेन ये भी यूवी पेंट ही है, जेल पेंट ही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ब्रश की हेल्प से इन दोनों कलर्स को मर्ज कर रही हूँ। बहुत आराम से मर्ज हो जाते हैं ये, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये मर्ज हो जाते हैं। इसी सेम प्रोसेस से मैं जो फ्रेंच नेल पेंट होता है ना, जैसे पिंक कलर का और ऊपर जितना मैंने ब्लैक लगाया है उतना मैं वाइट लगा करके भी फ्रेंच टिप नेल करती हूँ घर पे ही। एंड अभी मैं आपको ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, बिकॉज वैलेंटाइन आसपास है तो थोड़ा इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, और ये दिखता भी अच्छे कैमरे से। वो वाइट एंड पिंक कलर ना समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रश की हेल्प से इनको मर्ज कर रही हूँ, एंड इस तरीके से मर्ज करने के बाद मैं इसको ड्राई करूँगी, ठीक है? बहुत थोड़ा टाइम लगता है, आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे मुझे अभी और थोड़ा मर्ज करना है, फिर मैं एक और कोट लगाऊंगी ब्लैक का। तो इस तरीके से मैं करती हूँ ये, एंड ये देखिए यहाँ पर मैंने मर्ज कर दिया है। अभी मैं पहले इसको ड्राई करूँगी, एंड ड्राई करने के बाद फिर मैं एक और कोट लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 60 सेकंड्स डाल के रखा है। तो जो जेल पेंट होती है ना, जो जेल नेल पेंट होती है, उसको आपको 60 सेकंड के लिए रखना होता है। अगेन मैंने एक ब्लैक कलर का कोट लगाया है, और अब मैं हल्का सा और इसको मर्ज करने वाली हूँ, ठीक है? मतलब थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट देने वाली हूँ। तो इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। अब ये देखिए ब्रश की हेल्प से मैं इसको अगेन थोड़ा मर्ज कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पॉन्ज ले सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश ले सकते हैं, आपको चाहिए तो, अगर आपको लाइन चाहिए तो आप स्ट्रेट अवे ऐसी लाइन ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर मर्ज कर रही हूँ ताकि कोई भी ऐसे एजी सी लाइन ना आए, एंड ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड लगे। तो यहाँ पर हमने ये मर्ज कर लिया है, अब हम इसको अगेन ड्राई करेंगे। तो 60 सेकंड्स रखेंगे ड्राई करने के लिए, एंड जब ये ड्राई हो जाएगा 60 सेकंड्स के लिए, तब हम इस पर एक और फाइनल कोट लगाएंगे जो कि होगा शाइनी कोट, जिसकी वजह से जो आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ग्लॉसी एंड शाइनी लगते हैं ना, वो लगने वाले हैं। आप चाहें तो जेल नेल पेंट की जगह आपके पास जो नॉर्मल नेल पेंट है ना, आप वो भी लगा सकते हो। आपको सिर्फ फाउंडेशन बेस ये यूज़ करना है, और शाइनी बेस जो है वो ये यूज़ करना है। ऑलमोस्ट इफेक्ट वैसे ही आएगा क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ। एंड सो दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट, एंड आई रियली लाइक इट। आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोसेस पसंद आया हुआ, एंड आप ट्राई ज़रूर करिएगा। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।